हाय दोस्तों, आपका सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे स्वदेशी। जी हाँ, मैं आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत अच्छा वीडियो जो कि है तुंगारेश्वर फोर्ट का। जी हाँ, अभी जो मैंने आपको जो रोड का जो वीडियो दिखाया वो वीडियो था अपना जो अंबाड़ी या वज्रेश्वरी लेके वसई तक जाने के लिए जो सिरसाड़ फाट आता है उसके बीच में एक रोड जाता है तुंगारेश्वर फोर्ट के लिए, वो रोड का वीडियो था और हम अभी वही निकल रहे हैं। जी हाँ, तुंगारेश्वर फोर्ट एक प्राचीन फोर्ट है। वहाँ पे सदानंद महाराज उनका एक आश्रम है, वैसे ही वहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है भगवान शिव का। जैसे कि आप देख रहे हो, हम लोग यहाँ पे आए हैं तुंगारेश्वर मंदिर के। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शांत जगह है यह और आपको यकीनन अच्छा लगेगा। हम लोग थोड़ी रेस्ट ले रहे हैं क्योंकि गाड़ी चलाते आ रहे थे तो थोड़ा थक गए हैं और काफ़ी ऊपर आना पड़ता है पहाड़ पे। तो आप देख सकते हो जैसे कि कैसा रास्ता है। तो अभी हमारी रेस्ट हो गई है और हम लोग आगे प्रस्थान करते हैं। तो देखते हैं, आप देख सकते हो मेरी गाड़ी की फायरिंग जो बहुत आवाज़ कर रही है। हाँ, ये जैसे कि हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं तो गाड़ी के पे लोड आ रहा है, तो आवाज़ आ रहा है, आप महसूस कर सकते हो। और अभी हम पहुँचने वाले हैं, यहाँ से एक रास्ता जाता है, यहाँ पे भी एक मंदिर है परशुराम मंदिर, वो भी बहुत पुराना है, वहाँ से आप चाहे तो जा सकते हो। और मेरे पास समय बहुत कम है इसलिए मैं वो स्किप करके आगे निकल रहा हूँ, जो मेन मेन स्पॉट है वो आपको दिखाऊंगा। तो हम लोग पहुँच ही रहे हैं, जो हम लोग अभी पहले पहुँचेंगे उसकी वो सबसे ऊंची जगह है और इस जगह का नाम है जो मैंने बोला था सदानंद आश्रम, वो यही है। और आप देख सकते हो हम लोग उसके जा के नज़दीक आ चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था वैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, गाड़ी पार्किंग के लिए ऊपर जगह है और आप देख सकते कि समुद्र सपाटी पासून ऊंची 2025 फुट, इसका मतलब सी लेवल से हम लोग 2025 फीट ऊपर आ चुके हैं। और हम लोग जो भी चलते हैं प्रवेश द्वार से हम लोग एंट्री करेंगे अंदर बाल योगी श्री सदानंद आश्रम। मस्त कलरफुल वॉल है, अभी हमको पहले थोड़ा पैर धोने पड़ेंगे यहाँ पे, पैर धो के देख सकते हो आप मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर है आप देख सकते हो। और यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैंने चुपके से आपके लिए वीडियो ले लिया है। देख सकते हो मंदिर का काम चालू है यहाँ पे अभी, और यहाँ पे बहुत बंदर रहते हैं, देखिए वो बहुत मस्ती करते रहते हैं, वो आप तो इधर आके ही देख पाओगे क्योंकि मैं सब कुछ तो शूट नहीं कर सकता। और यहाँ पे ना एक जड़ी बूटी मतलब आयुर्वेदिक दवाखाना है उनका, वहाँ पे ये मिलते हैं मतलब मेडिसिन्स मिलते हैं। और हम लोग अभी ऊपर निकलते हैं, ये रास्ता ऊपर जाता है जो मैंने आपको बोला था तुंगारेश्वर मंदिर उस तरफ हम लोग निकल रहे हैं, बहुत ही प्लेन रास्ता है। जैसे कि मैंने बोला था ये जो फोर्ट है तो इसमें बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ मिलती है, मतलब जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है उनके पौधे यहाँ पे बहुत है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हल्दी का एक पौधा है, हम लोग देख रहे हैं। मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड है उनको बहुत इसके बारे में पता है तो ये अक्सर यहाँ पे आते रहते लेने को। बहुत
बहुत ही अच्छा रास्ता है वहाँ पे ऊपर, जैसे कि हमें ज़्यादा कष्ट नहीं लेना पड़ रहा है बाइक चलाते टाइम, क्योंकि बहुत प्लेन रास्ता और बहुत ही अच्छा रास्ता बनाया गया है। यहाँ पे एक संजीवनी करके एक, ये देखिए एक ये वानर है बंदर, वो देख सकते हो बहुत ही सुंदर फूल है, कभी मैंने वीडियो ले लिया है, बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे और पूरे पहाड़ पे, मतलब ये फूल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा जज रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हो हम लोग कितने ऊपर है, बाजू क्या पहाड़ आप देख सकते हो। यहाँ पे एक पंछी दिख रहा है, मैं जरा जूम करके आपको दिखाता हूँ। हाँ देखिए मेरा कैमरा ज्यादा क्लियर नहीं है, जैसे कि आपने देखा मैंने एक मंदिर का आपको वीडियो बताया, वहाँ पे वीडियो करना स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है, तो उसके लिए अभी हमने क्या किया है, थोड़ा एक वीडियो उसका डाला था, पर अभी हम लोग वहीं से जब पारोल साइड से ऊपर चढ़े थे और अभी हम लोग यहाँ से नीचे निकल के जो ऊपर रास्ता दिखाया था मैंने, वहाँ से वो नीचे निकल के हम लोग अभी जा रहे हैं शंकर के मंदिर की तरफ, शंकर जी के मंदिर की तरफ। तो वहीं से हम सातिवली करके वहाँ से निकल जाएंगे, फिर हम लोग अहमदाबाद हाईवे है उस पर हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आगे हमारा रोड कैसा रहेगा और क्या क्या अपने हमें देखना देखने को मिलेगा, वो हम देखते रहिए। यहाँ पे एक बाइक का चेन टूटा है, चेन पड़ ली, वैसा ध्यान रखना पड़ेगा बाइक रेस करते टाइम अगर आते हो आप, या तो यहाँ पे नज़दीक गैरेज कहीं नहीं है, आपको मैकेनिक को इधर लाना पड़ेगा। बहुत सुंदर ऐसा पहाड़ दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे एक पेड़ गिरने के कारण हमारा रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है, यहाँ से आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। हम गाड़ी उठा के इस साइड में लेके आने वाले हैं, शायद अगले 2-3 महीने में तो निकल जाएगा। आज तो तारीख है 10 अक्टूबर, तो शायद 2 महीने में निकल जाएगा। बहुत ही अच्छा नज़ारा, बहुत ही सुंदर पेड़, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत सुंदर लग रहा है इस रास्ते से जाते टाइम। हाँ मैंने एक जिक्र भी किया था संजीवनी वनस्पति का, वो मैं बताने का रह गया। एक वनस्पति है वो बहुत ही गुणकारी है और उसके वो बहुत सारे इलाज में यूज़ किया जाता है। तो देखिए बात करते करते हम लोग अभी तुंगारेश्वर भी पहुँच चुके हैं, जो मैंने आपको बोला था भगवान शिव जी का मंदिर है वहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। हम लोग वहाँ से अभी एंट्री करेंगे। और यहाँ पे वेल मेंटेन गार्डन है, वैसे भी आपको वहाँ पे यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट करना है तो भी यहाँ पे पूरी सुविधा है। और ये मंदिर जो मैं आपको बता रहा था यही है तुंगारेश्वर का मंदिर। वैसे तो ये हाईवे की तरफ से जाएंगे तो नज़दीक है, पर हम लोग पूरा पहाड़ को घूमना था, ट्रेकिंग करना था बाइक के साथ, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए। बहुत सुंदर ऐसा ये गार्डन जो है मेंटेन किया है, वैसे ही यहाँ पे साइड में एक अच्छा सा पानी का अरेंजमेंट जो किया है वो भी बहुत सुंदर है, नदी जैसा है ये। और यहाँ पे एक छोटा सा पूल किया है, मतलब ब्रिज है, उससे आप इस साइड से जा सकते हैं। देखिए बंदर यहाँ पे मस्त तैर रहा है, मज़े ले रहा है यहाँ पे पानी पे, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, बहुत शांत लगता है। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट भी यहाँ पे आते रहते हैं क्योंकि बहुत ही शांत जगह है। ये ब्रिज है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत बार यहाँ पे आके जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, फोटो वगैरह निकालने को बहुत अच्छा लगता है मेरे को यहाँ पे। और यहाँ पे एक ऊपर रास्ता जाता है,
काफी नजदीक से व्यू लिया इसका। यहाँ पे आगे शिव जी का मंदिर है, अंदर का वीडियो मैं नहीं लूंगा। चलो ठीक है, आप फिर से यहाँ पे शेयर कीजिए, यहाँ पे आइए, ट्रैकिंग कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। निकलने का टाइम हो गया हमारा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल स्वदेशी।